हेलो, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने वी के जायसवाल के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 में हमसे पूछ रखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बताओ कि जैसे मान लो कोई एटम ए है, अगर आपने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मान लेते हैं इस पूरे प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ गई, आप एनर्जी दे रहे हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ एक्स एनर्जी आपने प्लस एक्स एनर्जी दे दी। अब एक दूसरी कंडीशन देखिए कि ए प्लस आपके पास कोई एटम, ए प्लस कोई गैसियस एनायन है, आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा एच, इस बार एटम के अंदर से एनर्जी निकलेगी, तो अंदर से उसकी एनर्जी निकलेगी यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अगर ए प्लस है तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टेप के लिए जो डेल्टा एच होता है इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। तो आप देख सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, न्यूमेरिकली आपके क्या है, बराबर ही हो रहा है। तो इसीलिए इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ केटायन, केटायन का यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देने की बात है, आसान सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन टाइप आपके लिए क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 में हमसे पूछ रखा है इन्होंने कि फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो पिक अप द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा हो उसको आपको बताना है। अब देखो, जैसे ही मान लो अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3s1 में। इससे निकालोगे, ये पहले से बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2p5 में। इससे निकालेंगे तो ये 2p4 में, यहाँ पे ये s वाला ख़त्म हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2p6 में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो अब आप बताइए कि इस पूरे पूरे सिस्टम में सबसे स्टेबल चीज़ कौन सी हो जा रही है, 2p6 सबसे स्टेबल है क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो चुका है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। तो अगर अब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या पड़नी पड़ेगी, देनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए इस ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, हाइएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या हो चुका है, आपका एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 68 में हमसे पूछ रखा है कि एक एलिमेंट है जिसकी कुछ आयनाइजेशन एनर्जी की इन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं, आपको बताना है कि ये आपके कौन से ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में लाई करता है। अब आप देखो कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्लोली स्लोली इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ तक स्लोली स्लोली ये इंक्रीज़ करी, थोड़ी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज़ करी, लेकिन यहाँ पे एक आपका सडन सा जंप आ जा रहा है। देखो सीधा ये वैल्यू 7,780 16,000 सडन जंप आ जा रहा है। ऐसा कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 छः इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, अगर आप जैसे ही सातवें इलेक्ट्रॉन को टच करने जाते हो तो आप देखते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में गैप आ जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में छः इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और छः इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गए तो क्या हो गया, आपका वो एलिमेंट एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप सातवें इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो इसका मतलब हुआ कि आप एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को टच कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी को आपको देनी पड़ जा रही है सातवां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। यानी यहाँ से आप कंक्लूड क्या करते हो कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब आप बताओ कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इन जनरल, अगर हम डी ब्लॉक को ना सोचें, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होती है आपकी ऑक्सीजन वाली फैमिली। आप देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, ये सब जो ग्रुप होते हैं
इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, 2.6 लिखते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2.86, तो इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, ये लाई करते हैं आपके ग्रुप 16 के अंदर लाई करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बस हमें छोटा सा एक डेटा था जो हमें पकड़ना था, आसान सा ये क्वेश्चन था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे वीके जायसवाल के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसे आप कमेंट मेंशन करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।